हेलो एंड वेलकम टू एफ टी सी एम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बी एस सी सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर वे तरंग पढ़ा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वे। तो देखते हैं वे होता क्या है, तरंग तरंग पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं तरंग है क्या। वे इधर डिस्टर्बेंस देखो सुना ही होगा। वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स। वेव क्या है? डिस्टरबेंस। वेव इज अ डिस्टरबेंस, एक डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता है। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल, पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम इसको समझना चाहें तो वेव होता क्या है। मान लेते हैं एक रस्सी लीजिए, एक रस्सी ली और यहाँ इस वाल से मैंने रस्सी को बांध दिया। यहाँ मान लेते हैं रस्सी ली, इसको यहाँ बांध दिया यहाँ से, और एक एंड मेरे हाथ में रख दिया यहाँ से। अब मैंने क्या किया इस रस्सी में, एक बम्प प्रोड्यूस किया। क्या किया? बम्प प्रोड्यूस किया इस रस्सी में। तो क्या हुआ, रस्सी इसके बाकी का मूव यहाँ इस टाइप से ऑक्सीलेट करके ऊपर इस टाइप से हो गई रस्सी पर घुमा। ये बम प्रोड्यूस किया मैंने ऐसा। फिर क्या हुआ, ये आगे बढ़ेगा थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाएगा इस टाइप से। फिर क्या हुआ, ये और आगे पहुंच जाएगा इस टाइप से। लेकिन कहा क्या गया है, ये भी जो डिस्टरबेंस है एक फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता है। बट पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। ये यहाँ पार्टिकल था और ऐसा भी हो सकते पार्टिकल मोशन नहीं करते, पार्टिकल ऑक्सीलेशन करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं पार्टिकल। ये कोई पार्टिकल यहाँ था ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पहुंच गया यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, पार्टिकल ऑक्सीलेशन करते हैं, पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल। तो एक्चुअल में ट्रैवल क्या करता है, वेव इज अ एनर्जी, एनर्जी ट्रैवल करती है। कहीं कहीं लिखा होता है वेव इज अ मोमेंटम विच ट्रैवल्स, कहीं कहीं लिखा होता है मोमेंटम, कभी कहीं 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 लिखा होता है एनर्जी ट्रैवल्स। और ठीक है, एनर्जी ट्रैवल क्या करती है, एनर्जी। ऐसा नहीं बोल सकते कि पार्टिकल मूव नहीं करते, मूव करते हैं। मान लेते हैं इस रस्सी में यहाँ आपको ये मान लेते हैं कुछ भी मार्क कर दीजिए इस रस्सी को यहाँ, फिर इसमें बम प्रोड्यूस कीजिए तो मार्क क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, तो ट्रैवल नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ यहाँ आपको ये मार्क कर दीजिए इस रस्सी में, मान लेते हैं मार्क कर दीजिए, फिर इसमें बम प्रोड्यूस कीजिए तो वो ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा। मीन्स वो ऑक्सीलेट तो होगा, ऑक्सीलेशन तो करेगा वो पार्टिकल, लेकिन ट्रेवल आगे की साइड में बढ़ गया, ट्रेवल एनर्जी, ट्रेवल क्या करती है एनर्जी। कहीं कहीं लिखा होता है मोमेंटम ट्रेवल। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस, एक डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रेवल्स। टाइप ऑफ वेव देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेव तरंग के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ वेव देख, तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, विच रिक्वायर्स अ मीडियम, ऐसी तरंग है जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वे कहलाती है मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंग है, इनको बोलते हैं यांत्रिक तरंग है। ऐसी तरंगें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। इनके लिए माध्यम में पूर्ण प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के गुण होने चाहिए, पूर्ण प्रत्यास्थता और जड़त्व ये गुण होने चाहिए इनके लिए। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, विच रिक्वायर्स अ मीडियम, जिनको माध्यम, जिनको संचरण करने के लिए
किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीन्स ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, ये मैकेनिकल वेव जो होती है यांत्रिक तरंगे, इनको ट्रेवल करने के लिए संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगें जिनको संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीन्स ये निर्वात में नहीं चल सकती है, तो ऐसी तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है। नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, which do not require medium, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इनके संचरण के लिए, तो ये तरंगें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, इनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। वे तरंगें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश विकिरण यानी कि जो लाइट वेव्स हैं, एक एग्जाम्पल है इसका एक्स रेज है, इनको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनसे वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। माइक्रोवेव भी होती है, गामा विकिरण और विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही इसका एग्जांपल। और मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल देख लेते हैं, यांत्रिक तरंग है, ऐसी तरंग है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो इनका एग्जांपल एक तो साउंड वेव्स होता है, ध्वनि तरंग है, इनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इनके संचरण के लिए वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, स्पेस में जाके कुछ बोलेंगे इसीलिए हमको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ध्वनि तरंग जो है उनको संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम का होना आवश्यक है, ये निर्वात में संचरित नहीं होती है, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो ये एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। आई होप वेव यानी तरंग क्या है इसका बेसिक समझ आया होगा आपको, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्वल मीडियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, वेव है क्या तरंग, वेव इज अ डिस्टरबेंस, एक डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्वल मीडियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, वेव एक प्रकार का एक डिस्टरबेंस है फ्रॉम इक्वल मीडियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता है, पार्टिकल एक्चुअल में ट्रैवल नहीं करते हैं, और ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, ये ऑक्सीलेशन करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं, और ट्रेवल एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ऑक्सीलेशन करते हैं ऊपर, वेव आपको समझ आया होगा तरंग क्या है इसका बेसिक समझ आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।